हेलो दोस्तों, चलिए तो इस लेक्चर में बात कर लेते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। जिसकी मंजिल आसान, उसकी ऐसी कामयाबियाँ अब रोज़मर्रा की बात लगती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के लिए PSLV रॉकेट छोड़ना, उसके जरिए अंतरिक्ष में एक बड़े 13 नन्हे सैटेलाइट को स्थापित करना अब कोई बड़ी बात नहीं लगती। ऐसा संगठन जो अपने यान को मंगल ग्रह तक भेज चुका हो और अपने यान को चांद तक पर उतारा हो, उसके लिए अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसरो की ऐसी रोज़मर्रा की कामयाबियाँ हमारे गौरव बोध को नया विस्तार भले ही ना देती हों, लेकिन ये उसकी नींव जरूर मजबूत करती है। दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में इसरो की विश्वसनीयता लगातार बढ़ी है। बुधवार को उसने जो 14 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए, उनमें 13 तो अमेरिकी है। अमेरिका जैसा अंतरिक्ष कारोबार के अग्रणी और अति विकसित देश की कंपनियां अगर अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कराने के लिए इसरो पर भरोसा कर रही हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। इसरो की यह साख इसलिए बनी है क्योंकि दुनिया भर की अंतरिक्ष कंपनियों में असफलता की सबसे कम दर इसरो की है। अंतरिक्ष बाजार में सफलता की दर से भी ज़्यादा मायने असफलता की दर रखती है। जिसकी असफलता की दर जितनी कम होगी, वह उतनी ही भरोसे के लायक अंतरिक्ष एजेंसी है। कोई भी उपग्रह वर्षों के शोध और मेहनत का नतीजा होता है। इसमें सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक ही नहीं होती, भारी निवेश भी होता है। ऐसे उपग्रह के लिए भरोसा वही किया जा सकता है जहाँ जोखिम सबसे कम हो। देश का निजी क्षेत्र भी चाहे तो इसरो की इस कामयाबी से बहुत कुछ सीख सकता है। बुधवार को इसरो ने जिस भारतीय उपग्रह को लॉन्च किया है, उसका जिक्र भी यहाँ जरूरी है। कार्टोसैट 3 नाम का यह उपग्रह संचार और निगरानी का काम करेगा। हर पल धरती की तस्वीर भेजने वाला यह उपग्रह हमारी सामरिक और नागरिक कई तरह की जरूरतों में काम आएगा। इसमें लगे कैमरों की नज़र इतनी विकसित है कि धरती पर इस 10 इंच से छोटी वस्तु या जगह की तस्वीर अच्छी तरह से ले सकते हैं और अंधेरे में भी निगरानी कर सकते हैं। जाहिर है कि वे सीमा पर किसी भी घुसपैठ की सूचना वक्त रहते दे सकेंगे और देश के भीतर भी आतंकियों की सक्रियता को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इनमें से देश के वनों पर भी नज़र रखी जा सकेगी और शहरीकरण को भी ठीक से समझा देखा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देश को इसके बाद बहुत सी सूचनाओं के लिए विदेशी एजेंसियों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी यह हमारी मदद करेगा, तब भी जब कहीं प्रदूषण बढ़ रहा हो। इसरो ऐसे कामों को अंजाम देने वाला सफल संगठन भर नहीं, वह बहुत अच्छा रोल मॉडल भी है। हसरतों के संग्रहालय में सबसे ऊपर सजा कर रखने लायक एक नाम जिससे सब प्रेरणा लें और उसकी तरह बनने की कोशिश करें। देश के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उन्होंने कभी इसरो को अपना रोल मॉडल नहीं बनाया और ना ही उससे प्रेरणा लेने की कोशिश की। अपनी कामयाबियाँ से इसरो ने जो आत्मविश्वास हासिल किया, काश देश के बाकी संगठन उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर पाते। याद रखिए, इसरो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिए, 15 अगस्त 1969 में। अभी करेंट में डायरेक्टर हैं जो, वो है के सिवान। ठीक है, चलिए तो देख लिया हमने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल नाम है, पूरा नाम।